दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा, जैसा कि आपको लेकर चलता हूँ आपके क्षेत्र की उन छोटी छोटी समस्याओं और घटनाओं की तरफ जहाँ पर आपको जागरूकता तो मिलती ही है, उसके साथ साथ में आप समाज के लिए एक प्रेरणा भी बन सकते हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ का हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपको केवल खबरों में ही ना रखा जाए, बल्कि खबरों से हटकर सामाजिक जानकारियाँ और उन हस्तियों से भी मिलाया जाए जो हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का कारण रही हैं। जीवन उत्साह यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम में जैसे आपने देखा, हमने आपको काफ़ी ऐसे लोगों से मिलाया जिनमें जो आईएएस और आईपीएस जो अधिकारी हैं उनके साक्षात्कार कराए, उनसे हमने आपका परिचय कराया। और इसके पीछे जो मकसद था वो ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है या हमारे जो लोग हैं, हमारा जो समाज है, वो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा ले सके और उस प्रेरणा की वजह से अपनी ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन कर सके जो समाज के लिए प्रेरणा बन सके। आज एक कड़ी में मैं आपके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत को मिलाने जा रहा हूँ, जिनका परिचय मैं अगर आपको दूँ तो आप उनके बारे में सब कुछ जान पाएंगे। श्री बी डी लखनपाल जी, जो कि नदौंता विधानसभा जब पहली बार बनी थी तो उसके विधायक चुने गए थे, यानी उसके विधायक का टिकट कांग्रेस की पार्टी की तरफ से इनको मिला था और इन्होंने ये चुनाव जीतकर नदौंता के पहले एमएलए के रूप में शपथ ली थी। आज हम इनके बीच में आए हैं और इनसे चर्चा करेंगे और उस समय कहां से राजनीति शुरू हुई थी, इनका करियर कैसे था, इनके बारे में जानेंगे ताकि आप भी जागरूक हो सकें और आज की जो राजनीति है, खासकर उस जिस राजनीति का जो परिवेश बदलता हुआ जा रहा है, राजनीति के कई नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, तो आज की राजनीति में उस समय की राजनीति में, यानी कि करीब 50 साल पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, उस समय की जो राजनीति थी उसमें क्या फ़र्क आया, क्या हमारी पब्लिक की डिमांड्स बढ़ी, किस तरह से हमारे नेताओं की सोच बदली, हमारे डेवलपमेंट्स हुए, आज हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा इनका परिचय पहले बता देता हूँ। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनका ग्रेजुएशन था और उसके साथ साथ में 1941 में इनका जन्म हुआ। एक क्लर्क के रूप में इन्होंने अपनी एक नौकरी शुरू की और उस नौकरी से चलते चलते एक विधायक भी बने। कैसा रहा इनकी ज़िंदगी का सफ़र, इनसे हम बात करेंगे और इनकी ज़िंदगी के तजुर्बों को जानेंगे। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ एक और व्यक्तित्व को मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ। चलिए उनसे बात कराते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के वो अनुभव जो आपको दे सकते हैं प्रेरणा और एक नई दिशा। लखनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और हम एक यूथ मोटिवेशन कार्यक्रम के माध्यम से आपको लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी का जो अनुभव रहा, आपने बड़ी ही प्रतिष्ठित अपनी ज़िंदगी को एक जगह पर पहुंचाया और हम चाहते हैं कि हमारे समाज को भी प्रेरणा मिले उसके माध्यम से। तो शुरू करते हैं, आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कहां से हुई और कैसे आपने अपनी ज़िंदगी को आज यहां तक पहुंचाने के लिए कार्य किया? मैंने एसडी हाई स्कूल शिमला से मैट्रिक किया जी। उसके बाद में एस डी भार्गव कॉलेज में दाखिला लिया मैंने जी ग्रेजुएशन के लिए। पहले साल में पंडित कामेश्वर जी को निकाल दिया था वहाँ पर, उन्होंने पंजाब सरकार ने जी, तो उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स में बड़ा रोष था और हमने रोष के स्वरूप हड़ताल की जी। उसमें कुछ एक आध दिन के लिए हमें थोड़ा पुलिस रिमांड में जाना पड़ा जी। उसके बाद वो सारा मसला, उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई जी। और फिर मैं कम्युनिस्ट पार्टी में ही फुल टाइमर रहा और उस दौरान मैंने पीओडी वर्कर्स यूनियन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन को मजबूर करने का काम किया जी। और उसके पश्चात मैंने कुछ हालात ऐसे बने कि कुछ इकोनॉमिकली जब हम काफ़ी वो परेशान थे तो मुझे नौकरी भी करनी पड़ी जी। तो मैंने
तकरीबन 18-19 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन कर ली जी बिलासपुर में। और लेकिन मेरे संस्कार, वो जो पार्टी का जो काम था वो दिमाग में था कि संगठित किया जाए मजदूरों को जी। तो उस वक्त सरकारी मुलाजमत हालत बहुत ख़राब थी जी, बहुत कम तनख्वाहें थी। और एक तो बिलासपुर में था पोस्टिंग मेरी, तो उस वक्त बड़ा भारी मजदूरों का आंदोलन हुआ जी, उसमें बड़ा सक्रिय भाग लिया मैंने। और नौकरी के दौरान फिर हमने जितने भी सरकारी मुलाजिम थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जी। और इकट्ठा करने के बाद जो उनकी डिमांड थी थोड़ी बहुत वो सरकार के सामने रखी। तो उस संगठन का काम बड़ा भारी करना पड़ा मुझे। तो उसमें क्या हुआ कि जो ये पहले यूनियन थी शिमला में थी, यूनियन इसकी सबॉर्डिनेट सर्विसेज यूनियन जी, तो उसमें मैं बतौर मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर इलेक्ट हुआ। तो 600 वोट मुझे पड़े जी, हाईएस्ट वोट पड़े मुझे जी। और फिर तो जो भाषण दिया मैंने तो सरकार के खिलाफ दे दिया। अच्छा, तो उस समय जितनी भी हमारी लीडरशिप थी वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे जी। और उन्होंने कहा कि सिर्फ स्वाय हमारे जो कानून हैं उसके मुताबिक, जो बायलॉज हैं हमारे उसके मुताबिक सिर्फ सेक्रेटरी का आदमी ही एग्जीक्यूटिव मेंबर बन सकता है, और जो सेक्रेटरी के अलावा जो मुलाजिम है वो नहीं बन सकते जी। हमने फिर नॉन सेक्रेटरी यूनिट बनाई अलग। अच्छा, तो उसकी बड़ी भारी मेंबरशिप हुई जी। शिमला में एक कुंजा दफ्तर थे, डायरेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस 51 थे जी। हर वहाँ से एक एक आदमी हमने अपने उसमें एग्जीक्यूटिव में रखा जी। और हमने चार्ट ऑफ डिमांड बनाया। तो उस वक्त पंजाब से सुवर्ण सर्विस फेडरेशन के जो नेता थे रणवीर ढिल्लों जी, वो हमारे साथ आए, उन्होंने हमारा काम किया और हमारी गाइडेंस दी। तो उसके बाद ये तकरीबन सिरमौर में उसको बनाया, यूनियन को बनाया, शिमला में बनाया, मंडी में बनाया। तो हिमाचल अभी तक इंटेग्रेट नहीं हुआ था जी, ये सब 64-65 की बात है जी। तो 5-6 जिलों में हमारा संगठन बन गए। तो संगठन बनने के बाद इन बिटवीन पंजाब से भी लोग आ गए, पंजाब 66 में हिमाचल बन गया सारा जी। तो कांगड़ा से, कांगड़ा जिला था, शिमला जिला था, तो कुल्लू जिला था, तो वहाँ से भी लोग आए और कुछ काफ़ी प्रबुद्ध आदमी थे जी। तो फिर हमने एक मंडी में बैठ करके फेडरेशन बनाई जी, इस जो नाम रखा हमने नॉन गजेटेड सर्विसेज फेडरेशन। ओके जी। तो एक हाई कोर्ट में थे सुपरिटेंडेंट, उनको उसका प्रधान बनाया गया जी। तो इस तरह सारे पूरे हम भी लोग, हम लोग भी सारे उसमें शामिल हुए। तो हमने फिर एक बाकायदा सरकार को चार्ट ऑफ डिमांड भेजा जी। उसके बाद एक एक्शन प्लान भी हमने बनाया जी। एक्शन प्लान में कुल्लू में भी कुछ घंटे के, कुछ 12 घंटे की भूख हड़ताल, मंडी में 48 घंटे की भूख हड़ताल, सोलन में फलांजे की हड़ताल। तो जगह जगह हम लोगों ने सारा काम किया और उसको संगठन को मजबूत किया। और मजबूत करने के साथ साथ हमारी मुख्य डिमांड थी पंजाब के जो स्किल हैं वो हिमाचल को लागू किया जाए। अच्छा, लेकिन वो सरकार नहीं मानी क्योंकि हिमाचल यूनियन टेरिटरी थी जी। तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उस वक्त। जो पहला आपने जो जलसा निकाला शिमला में, तो उस वक्त 51 हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे जी। तो 400-500 हमने प्ले कार्ड बना के खुद ही बनाए थे, प्ले कार्ड और झंडा, वो बैनर लगाया हुआ था जी। तो
पाँच बजे के बाद जुलूस रखा होगा, तो कोई नहीं आया जी, एक भी आदमी। वो सब अभी आता हूँ जी, सब्जी लेके आया। तैयार नहीं होते थे लोग इस तरह की चीज़ों के लिए? नहीं, तैयार नहीं होते जी। बहुत टाई शाइट लगा के माल रोड पर चले जाते थे जी, बाकी वहाँ नहीं आना। तो उस तक मेरी वाकई ऐसा हुआ कि वो कहावत है कि होंठ फट गए, होंठ फट गए, तो मेरे वाकई होंठ फट गए। अच्छा अच्छा, यानी मैं परेशान हो गया था कि फिर एक आदमी आया बेचारा, उस जो एक टीम मेंबर था, तो मैं उसके हाथ में डंडा फटा पकड़ा दिया जी, गत्ते का फटा पकड़ा कि नहीं मैं थोड़ी मैं आता हूँ, नहीं नहीं पकड़ दूँ। मेरा दूसरा आता गया, वो 51 के करीब फटे पकड़ा दिए, पकड़ गए, तैयार कर दिया। मैं वो नाज होटल के ऊपर चढ़ गया जी, और वहाँ भाषण शुरू कर दिया जी, और फिर वो घंटा भर मैंने लगा रहा भाषण करने जी, और फिर सब लोग आए वहाँ पर भी। फिर रोड बाजार में इतना बड़ा जुलूस निकला, पल्ली तरफ से भी आ गए, यहाँ से भी आ गए, और बड़ा भारी, इट वॉज मासिव, क्रांति जगा दी आपने वहाँ पर। और उसके बाद फिर लोगों में जगह जगह, फिर सोलन में, सिरमौर में, नाहन में, ये मंडी में, जगह जगह सारा, और फिर हमने लगातार इन्हें क्रमिक भूख हड़तालें रखी। और हिमाचल की चिंता कौन करता था, क्योंकि चार छोटा सा राज्य था, 400 MP हैं, 4 MP और कौन परवाह करता है। ये जब SM बनर्जी के पास में बैठा हुआ था, उसने कहा अभी हड़ताल इतने दिन हो गई, देखो कि उसने बोला देखो हड़ताल 35 डेज हो गया है, और अब उसको वापस ले लो। मैंने कहा वापस लेके हम मर जाएंगे, क्योंकि सबकी टर्मिनेशन हो गई, कोई जेल में है, कोई डिसमिस हो गया है, कुछ कैसे होगा, और हड़ताल वापस ले ली तो ये तो बच्चे भूखे मर जाएंगे सारे सारे जी। तो कैसे, दूसरे बेचारे ने खुद टाइप किया एक छोटा सा चिट्ठी, कहते कैन यू गेट मी सिग्नेचर ऑफ सर्टन कांग्रेस एमएलएज MPs। बिल्कुल करवाएंगे। तो उत्साह ऐसे ही जी, बल्कि उस दौरान हमें एक एक टाइम खाना खाना पड़ता था, क्योंकि तो दो टाइम खाने के पैसे नहीं जेब में जी। तो 55 के 56 MP थे CPI CPM के जी, तो उसने खुद बोला कि इस वक्त जो है ना इंदिरा गवर्नमेंट जो हम लोगों के उस पर है टिकी हुई, तो हमारी सपोर्ट क्यों टिकी हुई है, हमने उन दस्तखतों ने अपने करवा दिए 54-55 MLAs के MPs के, और कुछ जो कांग्रेस के थे वो 24 उनके भी करवाए हमने, 24 कोई 40-50 MPs के दस्तखत करवाए जी। और एक वो सांझा मेमोरेंडम दे दिया इंदिरा जी को, तो उसी दिन उन्होंने शाम को कैबिनेट की मीटिंग रख ली। रात को 11 बजे की कैबिनेट मीटिंग रखी, और फैसला हमारे हक में हो गया जी। फैसला से इतना ही हुआ कि एम्प्लॉयज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज बी अलाउड पे स्केल्स ऑफ एडजॉइनिंग स्टेट्स वाले काफ़ी है, 2-4 लफ्ज का फैसला था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपने अपने शुरुआती करियर में जो हिमाचल प्रदेश के जो एम्प्लॉयज थे, PWD के थे या जो भी सेक्टर के, क्या जितने भी थे, उनके सबके लिए संघर्ष करके उनके जो पे स्केल थे उनको एज द पर द स्टेट्स, जो बाकी स्टेट्स के, तो उनके अकॉर्डिंग करवाने के लिए संघर्ष किया। अच्छा लखनपाल जी, आपकी जिंदगी का जो तजुर्बा रहा, जो आपने संघर्ष किया, उस सारे संघर्ष को अगर हम एक तरफ कर दें जी, तो राजनीति में एक विधायक का टिकट आपको किस तरह से मिला, क्या क्या चीजें आपको उसमें करनी पड़ी? टिकट जो मिला मुझे, तो मेरी जो सेवाएं थी एज ट्रेड यूनियन लीडर जी, उसकी बदौलत मिला।
और ट्रेन लीडर होने के नाते मुझे फिर दिल्ली में चंद्रजीत यादव ने और डॉक्टर वार ने डिफेंड किया और मुझे दिल्ली से टिकट मिला। तो फिर मैं जब यहाँ आया नौकरी छोड़ने के बाद जी, जब टिकट मिलने के बाद मैं नौकरी छोड़ दी जी, बाद छोड़ी नौकरी जी, इस्तीफा दिया 24 घंटे का और फिर मैं घर आया और घर आकर के मैं अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बैठ करके बताया कि मैं टिकट मुझे मिला है जी, और ये सारा तो कैसे कैसे किया जाए। फिर मुझे कुछ जो साथी थे उनको लेकर के मैं जगह जगह गया और सबसे मिला, पैदल ही गया सब जगह जी, और तकरीबन हर गांव, हर पंचायत में मैं गया और वहां दोस्तों से एक जिसने आगे से आगे बताते गए तो मैं उनको कार्यकर्ताओं को मिलता गया जी, और उसके बाद उनको बैठ करके सबकी मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद चुनाव प्रचार शुरू हुआ जी। और फिर आप चुनाव जीत भी गए। हाँ, और जीतने के बाद में फिर जब राजनीति में आप आए, क्योंकि आपको वैसे भी तजुर्बा तो था ही, वो आंदोलन वगैरह आपने सब किए ही थे, तो उस समय राजनीति में आने के बाद में फिर आपके साथ में क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या आपकी प्रायोरिटी थी कि आपको वो पब्लिक के लिए करनी थी? देखिए उस वक्त सबसे बड़ी चैलेंज मुश्किल ये थी कि हमारे यहाँ बिजली जी, बिजली सिर्फ लदराड़ से लेकर के बरसर के साथ साथ गांव में, एक एक दो दो गांव में थी जी, बाकी जगह कहीं बिजली। अच्छा, स्कूल की बड़ी कमी थी जी, स्कूल बहुत कम थे, तो रिसोर्स भी बड़े कम थे जी, सरकार के पास पैसा ही बड़ा कम था जी। फिर उसके बावजूद भी बिजली के लिए मैंने फिर एक बरसर में सब डिवीजन खुलवाया। अच्छा, ये आपने खुलवाया था? हाँ। अच्छा जी, और उसके बाद वो बिजली का काम शुरू हुआ आगे से आगे, तो लेकिन फिर भी वो ऐसा लोग उन्होंने करते थे पीडोड़ी में, पहले पीडोड़ी में था, फिर लगमैक में बना, तो ऐसा करते थे कि फर्ज किया कोटरा में एक ट्रांसफार्मर लगाना जी, दो तीन गांव लेने, बाकी छोड़ देने, आगे चले जाना जी, आगे से आगे, तो बीच में कुछ हेलमेट रह जाते थे जी, गांव रह जाते थे, तो उनकी बड़ी चिंता थी, लेकिन कैपेसिटी तो ट्रांसफर उतनी होती थी जी, फिर बड़ी मुश्किल थी। फिर मुझे क्या हुआ कि मैं दिल्ली में था, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो था वो पैसे देता था स्टेट कॉरपोरेशन को जी, तो उनकी मीटिंग थी वहाँ पर चली हुई, तो जो चेयरमैन थे उसके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हमारे, तो मुझसे कटौज थे, वो मेरे अच्छे परिचित थे, तो उन्होंने कहा यार ऐसा है कि हमारे पास दो स्कीमें आई हैं, ये दो जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे है देना है जी, लेकिन फरवरी की बात है, 31 मार्च तक पैसा देना है जी, मोस्ट बैकवर्ड एरिया को देनी है। ओके, तो मैंने कहा मेरे एरिया को दे दो, कहते यार दे दो कैसे, तो मैंने कहा डाल दो आप अपने एक और दे सको जो करना बाकी मैं डाल दूँ, मैंने डॉक्टर मार से लिखवा दिया उसको डाल दिया जी, और चला गया, लेकिन वो पैसा फरवरी का मार्च में खर्च होना था, फरवरी मार्च में बड़ी जल्दी थी, फिर उनका जो टीम थी फटाफट आई यहाँ पर जी दौरा करने, तो दौरा करने आए, फिर वो उनको फिर मैंने चढ़ा दिया चढ़ाड़ी से, पुराने रास्ते पुराने थे ना, पुरानी वो गाड़ जैसी थी चढ़ाड़ी से ऊपर को समताने समताने जी, तो समताने में खड़ा करके बताया ये देखो ये एरिया हमारा,
मोस्ट बैकवर्ड एरिया, हाँ जी, जंगली जंगल सारा बुरा, इनको सीधा निकला वहाँ से, फिर वो ले गए पाप देवसे वहाँ से दिखाया, ये देखो एरिया पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ के दिखाया आपने सारा। शाम को पीडब्ल्यू ए जो क्या नाम आपका हॉर्स रेस्ट हाउस है वहाँ पर जाकर के उनका खाना पीने का इंतजाम कर दिया। तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं मान रहा था कि नहीं दिस इज नॉट बैकवर्ड, बड़ी मुश्किल से उसको मनाया और फिर हमने ये कहा, मैंने कहा ये पैसा लैप्स हो जाना, किस किस के करो विचार, और फिर वो हमारा दूसरा पानी कौन सा हुआ, लेकिन हमारा हो गया। ओके, उससे ये हुआ कि मेरे इलाके में 85% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो सबडिवीजन एक और आ गया, ब्रिगेड सबडिवीजन आ गया, फिर ये एक्सिल दफ्तर खुल गया, तो ये प्रायोरिटी हमने। उसके बाद पीने के पानी की समस्या, तो पीने के पानी की समस्याएँ यानी कि फिर मैंने 4-5 स्कीमें बनाई। अच्छा जी, आपका ग्रोड़ 10वीं टीरी है जी, फिर ये आपका डाड आपके गांव के लिए जी, फिर ये 99 विलेजेस डिटवार की जी, एक ये हरफौर वाली स्कीम बना तो दी स्कीम है, लेकिन पैसा कम था जी, तो पैसे इस वक्त कोई 2 लाख रुपए पर एरिए, कोई बेचारा कोई सर्वे करते थे या कोई हट बना लेना उन्होंने या फिर कोई मशीनरी खरीद लेनी, तो लेकिन उसके बाद जब हम चले गए, उसके बाद जब जनता गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर ये स्कीमों को पैसा बल्क पैसा दिया और ये सारी बन गई। अच्छा लखनपाल जी, आपने जैसे बड़ी अच्छी बातें बताई कि आपने बिजली के पानी की जो बेसिक सुविधाएं एक आम आदमी की जो आदमी को रोज चाहिए, चाहे वो उस टाइम की बात हो चाहे आज की बात हो, ये चाहिए ही चाहिए जी, जी। अच्छा राजनीति में आप आए, आप MLA के रूप में भी बने, आपने इन कार्यों को भी किया, उस समय की जो राजनीति होती थी और आज की जो राजनीति है, 50 सालों का फर्क आ गया उसमें, क्या फर्क आया है और क्या आपको लगता है आज के परिवेश में, जैसे आप अभी भी समाचार पत्र पढ़ते हैं, देखते हैं, टीवी देखते हैं, क्या लगता है आपको? उस वक्त की राजनीति जो थी ना वो सेवा के लिए थी जी। डॉक्टर कुमार ने कभी भी इनकरेज नहीं किया कि जो लेजिस्लेटर हैं वो रिश्वत लें या बदली के पैसे खाएं जी, या किसी और चीज़ के पैसे खाएं जी, कभी नहीं करेंगे किया। और वो जो कुछ करते भी थे 2% आदमी, उनकी नज़रों में से सारे जी, और सब बदनाम भी थे, लेकिन वो इस मामले बिल्कुल ही ज़ीरो थे कि राजनीति पॉलिटिकल उसके ऊपर, हालांकि हम लोग हैंड टू माउथ रहते थे, हैंड टू माउथ, तनख्वाह बड़ी कम मिलनी, TAD कम मिलना और खर्चे ज़्यादा होने, फिर लेकिन लोगों से कोई उम्मीद रखनी या सरकारी ठेकों में कोई उम्मीद रखनी, ठेकेदारी प्रथा में भी इन्वॉल्व नहीं थे ना, बिल्कुल जी, कोई इन्वॉल्व नहीं था, तो आदमी फॉरेस्ट की ठेकेदारी करते थे खुद अपने आप, हाँ जी, लेकिन इस काम में इन्वॉल्वेशन नहीं थी, मतलब एक विधायक के रूप में जो होती है वो वाली राजनीति में बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा जैसे आप बड़ी ही अर्लियर स्टेज में MLA बन गए, 32-33 साल की उम्र होंगी आपकी जब आप बन गए, 31-32 साल की, तो 36 साल के जब आप हुए होंगे तो आप MLA पद से हट गए होंगे, हट गए, उसके बाद फिर राजनीति में आगे क्यों नहीं आप बढ़ पाए, क्या रीज़न रहे? उस वक्त वो जनता पार्टी का आगे ना लहर, अच्छा जनता पार्टी लहर में अच्छा फिर वो BJP कांग्रेस वाली पद्धति चल पड़ी? नहीं, फिर वो लहर में ना तकरीबन 53 सीटें जनता पार्टी की आ गई जी, नहीं और कांग्रेस की 8-9 सीटें आई कुल, तो हम लोगों ने, मुझे भी कांग्रेस का टिकट नहीं मिला उस वक्त। अच्छा, कुछ रामलाल के साथ मेरा कुछ इंसाफ लड़ाई झगड़ा था। अच्छा, तो जब रामलाल जी मुख्यमंत्री बने लास्ट डेज में जी, तो कुछ ऐसी कुछ बातें थी,
तो उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। फिर मैंने उसके बावजूद भी मैं जमानत बजा सका। अच्छा, जमानत मेरी बची, बाकियों की नहीं बच सकी जी। नहीं, तो नंबर दो पर मैं, कांग्रेस नंबर तीन पर थी, नंबर दो पर मैं था। नहीं, जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था वो आगे आ गए, राम जी। मतलब उसके बाद फिर आपने राजनीति में, उसके बाद आपका इन्वॉल्वेशन नहीं रहा? नहीं रहा। उसके बाद हमने बहुत सारी संस्थाएं बनाई मैंने। अच्छा, फिर ये जन अधिकार संघर्ष समिति बनाई हमने। अच्छा जी, तो उसके लिए हिमाचल की जो मांगे हैं उसके लिए संघर्ष किया, प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, जंतर मंतर पे भी वो धरना दिया, हंगर स्ट्राइक की, फिर लोकल भी, मेमोरेंडम भी सब जगह, तो बुकलेट छापी जी। तो हिमाचल के क्या अधिकार हैं, हमारी क्या डिमांड्स हैं, क्या हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जो पंजाब से जो कट करके हिस्सा आया है उसका जो हमें कुछ मिला नहीं जी। जो भाखड़ा, क्योंकि जल हमारा है जी, जल के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी, हमने लड़ी, कुछ और दोस्तों ने भी लड़ी जी। तो क्योंकि हम चाहते थे कि, क्योंकि असेंबली में मैंने बात की थी कि वाटर शुड बी डिक्लेयर एज रॉ मटेरियल जी, तो डॉक्टर माल ने उसको बात को अप्रिशिएट किया, उन्होंने इस बात को टेकअप भी किया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और इसकी वजह से जो यमुना हाइड्रल प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट के साथ जो समझौता हुआ उस वक्त फ्री बिजली 25% हिमाचल को मिली जी। तो फिर थी डैम का जो हुआ समझौता हुआ तो उसमें भी उस वक्त शांता कुमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन उस वक्त उनको कुछ कम हिस्सा मिला। फिर हमने उनको, शांता कुमारी जी को कहा, मैंने कभी आपने गलत किया इसको बात को, उन्होंने फिर उसको टेकअप किया, बाद में टेकअप किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर वो 12.5% फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया कि वो हिमाचल के जो मिलेगा प्रोडक्ट को मिलेगा, चाहे प्रोजेक्ट प्राइवेट लगे चाहे सरकारी भी लगे, तो 12.5% बिजली हमारे को फ्री मिलेगी। अच्छा, उस टाइम का समझौता हुआ? हाँ, उस टाइम समझौता हुआ। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ी जी, और उसके लिए एक कई इशू थे, इसमें जल का इशू था, जंगलों का इशू था जी, जंगलों पर जो पर्यावरण के लिए अमेरिका, हम तो धरोहर हमारी ये है जी, पैसा तो वहाँ है, हमें मिलता है जी, हम तो काटेंगे जंगल बिल्कुल, लेकिन आप पंजाब वाले या प्लेन्स वाले जो फैक्ट्री लगा रहे हैं, धुआं हम खाएंगे, पर्यावरण को हम बचाएंगे जी, हमें तो हिदायत है कि पर्यावरण बचाया जाए जी, लेकिन उसका हमें क्या मिलता है उसके बदले में, क्योंकि जब पंजाब के गवर्नमेंट के साथ बिलासपुर स्टेट का जो एग्रीमेंट हुआ था, कलूर स्टेट का, तो उसमें 1948 में दो एग्रीमेंट हुए, तो उस वक्त ये तय किया गया था कि जो प्रॉस्पेरिटी आएगी पंजाब में उसकी वजह से उसका प्रोफेशनल टैक्स रहेगा जी, प्रॉस्पेरिटी टैक्स रहेगा, उसका हिस्सा हमें मिलेगा, लेकिन हमें भी कुछ नहीं मिला। फिर उसका जो 7.3 हिस्सा मिलना था हमारा, जो कांगड़े का हिस्सा था जी, वो तो लड़ झड़ के लिया, लेकिन जो हिस्सा बिलासपुर से या महासू का जो हिस्सा था वो भी मिलना था, सतलुज का फ्लो से कुछ ही मिला हमें जी। वही फिर पोंग डैम का हुआ,
कि जो बेनिफिशियरी स्टेट थी उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल गया और उन्होंने पैसा भी लगाया, लेकिन पैसा हमने नहीं तो नहीं लगाया, लेकिन हमारा तो ज़मीन चली गई जी, हमें ज़मीन चली गई, जंगल चले गए, हमारे मिनरल चले गए, माइन चली गई और स्कूल चले गए, धर्मशाला चले गए, ज़मीन चली गई, वो बढ़िया लैंड चली गई, लेकिन हमें क्या मिला उसके बाद, उसके बदले में यानी फेस वैल्यू तो मिल गई, हमें ज़मींदार को पैसे दे दिए जी, लेकिन वो उसको पैसे कहाँ दिए सरकार के जो जंगल चले गए, कुछ नहीं। अच्छा फिर उनको पैसे दिए फेस वैल्यू के हिसाब से, लेकिन कंकरेंट जो उसका ज़मीन का लॉस होता है वो तो हमें मिला नहीं, नहीं मिला, कंकरेंट लॉस होता ना आगे आगे जी, तो वो नहीं मिला, तो हमें कुछ नहीं मिला। फिर और तो और इनके जो हमारे ऑस्टी राजस्थान गए वो बेचारे आज तक धक्के खा रहे जी, हिसार गए वो धक्के खा रहे जी, तो ये प्रॉब्लम तो हमारे पास थी, हमारी थी, तो इन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया। और इंडस्ट्री जो थी हमने को बार बार कहा कि हमारे पर जो जो लाइमस्टोन डिपॉजिट्स हैं इसकी मैंने असेंबली में बात की और सब जगह प्रोसेस फिर शुरू हुआ। तो ये जो सीमेंट के प्लांट्स हैं हमारे, इनकी इजाज़त हमें दी जाए जी, जो फिर आस्ते आस्ते शुरू हुआ, अभी तक भी कुछ दो तीन प्लांट्स ही अभी तक लगे ना ही, लेकिन उसके बाद भी चार पांच प्लांट्स और लग रहे हैं। अच्छा, लेकिन कि कोई हिसाब मंडी नहीं बन रहा, तत्तावाणी में लगना है, चंबा में लगना है, कुछ जगह और लगना है, तो वो सारा हमारे पास वो सारा डाटा कि इतना हमारे पास स्टॉक है, इतना हमारे पास मिनरल्स हैं। ये सब काम आपने एमएलए के बाद किए? ना, एमएलए उस वक्त रहते हुए भी किए थे, उस वक्त किए थे, बाद में किए। अच्छा, जो नहीं हो सके वो किए बाद में। ठीक है, और लगे रहे हम कुछ ना कुछ करने, मतलब आप अपने सक्रिय रहे हर चीज़ के। और उसके बाद में फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट में रहा, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव को मैंने बनाया, फेडरेशन को मैंने बनाया, 6 साल तक मैं उसका चेयरमैन रहा। फिर एक प्राइमरी कांगड़ा लैंड डेवलपमेंट बैंक, इसका रहा चेयरमैन रहा, फिर कांगड़ा बैंक का डायरेक्टर रहा। अच्छा, तो काफ़ी उसमें, फिर मैं वो स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का भी डायरेक्टर रहा, फिर मैं नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स उसका भी वाइस चेयरमैन रहा, तो काफ़ी लगा रहा इसका जी। बिल्कुल ठीक है लखनपाल जी, आपने काफ़ी अमूल्य चीज़ें दी हैं, बताई हैं, अपने जो भी संघर्ष रहे हैं ज़िंदगी के आपने बताए हैं, और हमें पक्का उम्मीद है कि जो भी लोगों ने बातें समझी होंगी आपसे, आपने चाहे वो विधायक रहते हुए की या अपनी ज़िंदगी के संघर्ष में की, हिमाचल के लिए आपका काफ़ी बड़ा योगदान हमें आपकी बातों से लगा है कि रहा है, और हमें बड़ी खुशी हुई है कि आज आप पब्लिक के बीच में आए हैं, पब्लिक को आपने अपने विचार बताए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।